हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है द स्टेट वर्सेस शांति हेमराम केस। ठीक है, तो देखिए अभी हम जो है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसे जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जो हम जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसको जो हमने अपने पिछले वीडियो में जान लिया था। ठीक है, उसमें जो हमने थोड़ा बहुत जो है जान लिया था क्रिमिनल जस्टिस के बारे में। ठीक है, उसमें जो हमने पुलिस के बारे में जाना था कि पुलिस का जो है क्या वर्क होता है, क्या उनकी ड्यूटीज़ होती है, और क्या क्या टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे जो टॉपिक है उसके जो सब टॉपिक्स हैं उनको भी जो हमने जो है जान लिया था कि क्या क्या जो जानने वाले हैं। तो जो हम लोग का पहला टॉपिक है जो क्रिमिनल लॉ को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, क्रिमिनल सिस्टम को जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए वो क्या है, उसमें जो हम लोग जो केस स्टडी जानेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है, द स्टेट वर्सेस शांति हेमराम। ठीक है, ये केस है जो कि 2006 में जो है हुआ था। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे जो है लिखा है स्टेट, स्टेट क्यों लिखा है यहाँ पे, तो स्टेट का मतलब यहाँ पे जो है पूरे कंट्री को जो दर्शाया जा रहा है, यानी कि हम लोग ये देश जो है इंडिया। तो अब यहाँ पे जो केस किसके किसके बीच में, पूरे इंडिया, ठीक है, पूरा इंडिया जो है मान लीजिए एक साइड हो गए, और जो शांति हेमराम है, ठीक है, तो वो जो एक साइड हो गए, और इन दोनों के बीच में जो है क्या चल रहा है, केस चल रहा है। अब आप बोलेंगे कि पूरे इंडिया जो एक अलग साइड की हो गए और जो है वो सिर्फ शांति हेमराम क्या गेट जो है क्यों लड़ रहे हैं। तो देखिए इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई भी क्राइम होता है, तो अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी एक आदमी है तो उस आदमी ने जो है दूसरे आदमी का मर्डर कर दिया, तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि नुकसान तो उनका कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, बस उस आदमी का जो जा रहा है नुकसान जिसका मर्डर हुआ है, उसके परिवार वाले का जो है नुकसान हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी जो है मान लीजिए कि मर्डर होता है, ठीक है, तो अब जो और भी जो लोग होते हैं, ठीक है, जिनके दिमाग में ऐसा चल रहा होता है कि इसने मेरे से लड़ाई किया है तो मैं इसका मर्डर कर दूँ उस तरीके से, तो उनको जो है बढ़ावा मिलता है कि इसने मर्डर कर दिया, इसका जो कोई सुनवाई नहीं हुआ, ठीक है, मतलब यानी कि इसको जो कोई सजा नहीं दिया गया, खुला घूम रहा है, तब हम भी मर्डर कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर इस तरीके से जो मर्डर के जो केस है वो और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, फिर क्राइम बढ़ने लगेंगे। इस तरीके से क्या हुआ कि जो वो लोग जो कि एक आम लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, उनको किसी से मतलब नहीं है, अब उनको जो है डर लगने लगेगा कि अब जो है आखिर बाहर जाते कोई भी जो है हमसे पंगा लेते ले रहा है, और कोई भी जो है किसी का मर्डर कर दे रहा है, तो इस तरीके से उसका जो इफेक्ट होता है वो पूरे लोग पे पड़ता है। ठीक है, जिस भी कंट्री में वो क्राइम हुआ है तो उस क्राइम का इफेक्ट जो है वो उस पूरे कंट्री में पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या होता है जैसे कि किसी आदमी ने भी क्राइम किया है, ठीक है, या फिर क्राइम का दोष लगाया है, तो पूरा वो जो कंट्री है वो एक साइड हो जाएगा और वो आदमी जो एक साइड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है द स्टेट वर्सेस शांति हेमराम। ठीक है, यानी कि पूरा इंडिया एक साइड और जो शांति है, ठीक है, तो जो एक साइड। तो अब हम लोग जो शुरू से कहानी जानते हैं कि क्या था इसमें। ठीक है, तो जुलाई का महीना था। ठीक है, तो जुलाई में होते क्या है कि मिस्टर सिंधे और मिसिस सिंधे, ठीक है, तो ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं जो कि जो मुंबई के अपार्टमेंट में जो रहते हैं, तो एक दिन होता क्या है कि जो मिसेस सिंधे रहती है उनकी जो गोल्ड चैन होती है, गोल्ड चैन यानी कि जो सोने की जो चैन होती है वो जो मिल नहीं रही होती है, वो जो पूरा घर छान मारती है, ठीक है, पूरा अपना जो फ्लैट है वो उसे जो छान मारती है, लेकिन जो उनका चैन मिलता नहीं है। तो अब इससे क्या होता है कि ये चीज़ जो है वो अपने हस्बैंड को मिस्टर सिंधे को बताती है, तो जब दोनों आदमी जब उसको छानबीन करते हैं तब भी नहीं मिलता, तब उनको ऐसा लगता है कि वो जो सोने की चैन है वो जो चोरी हो गई है। ठीक है, तो अब उन्होंने सोचा कि चोरी होगी हुई है तो फिर चोरी की किसने होगी, तो उन्होंने सोचा कि ये घर में जो आना जाना किसका लगा रहता है, तो उन्होंने जो एक डोमेस्टिक वर्कर भी रखा था, ठीक है, जिनका नाम था शांति, तो वो जो घर में आया करती थी और काम करके से चल जाया करती थी। तो अब मिस्टर और एंड मिसेस सिंधे ने क्या सोचा कि शांति का जो घर में आना जाना लगा रहता है तो हो सकता है कि चैन जो है उसी ने चोरी की हो। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, फिर शांति से पूछने की क्या तुमने मेरी गोल्डन चैन चोरी की है, तो वो जो है अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं जो है मैंने जो है आपकी गोल्डन चैन जो नहीं चुराई है, तभी जो है वो उनकी बातों पे बिलीव नहीं करते, और फिर जो मिस्टर एंड मिसेस सिंधे होते हैं वो चले जाते हैं शांति के घर पर। अब शांति के घर पर जाते हैं, फिर वो जो है ढूंढने लगते हैं उस गोल्डन चैन को, तो उनको क्या मिलता है, एक छोटा सा बक्सा मिलता है। ठीक है, उस बक्से में एक लिफाफा होता है और उस लिफाफे में जो है 10,000 जो है रुपीज़ होते हैं। तब
होता क्या है कि मिस्टर एंड मिसेस शिंदे ये सोचते हैं कि हो सकता है कि ये जो शांति है, ठीक है, तो शांति ने क्या पता उस गोल्डन चैन को जो है बेच दी होगी और उसका ही जो है उसके बदले में जो है इसको जो है इतने रुपीज मिले। तो फिर जब ये चीज़ शांति को जब दिखाते हैं कि तुमने चोरी किया है, तुमने उसको बेच दिया है, तो शांति बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। और वो ये बोलते हैं कि फिर वो पूछते हैं कि 10,000 रुपीज फिर तुम्हारे पास आए कहाँ से। तो फिर वो जो है क्या बोलती है अपने जो है बचाव में कि मैं और जो मेरा भाई है वो पिछले साल से क्या कर रहे हैं, पैसे को जो जमा कर रहे हैं, किसलिए कि उनका जो विलेज है तो विलेज में उनका जो घर है वहाँ पर जो है वो ब्लॉक खरीद सके, ठीक है। इसलिए जो वो क्या कर रहे थे, वो और उनके जो भाई है, ठीक है, तो वो दोनों जो मिलके पैसा जो है बचा रहे थे एक जो है बुल खरीदने के लिए, ठीक है। तो तब भी जो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे होते हैं वो जो है उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते और वो चले जाते हैं सीधे कहाँ पे, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में क्या होते हैं कि पुलिस स्टेशन में जो है उनको मिलते हैं सब इंस्पेक्टर राव, ठीक है। सब इंस्पेक्टर क्या होता है, तो सब इंस्पेक्टर क्या होता है, एक पोस्ट होता है, ठीक है, जैसे कि IPS हो गया, तो इस तरीके से क्या होता है IPS जैसे जो SP हो गया, मतलब तो इस तरीके से जो पोस्ट होते हैं पुलिस में, इसी तरीके से सब इंस्पेक्टर क्या है, एक पोस्ट है, ठीक है, जिसे जो शॉर्ट फॉर्म में सब इंस्पेक्टर को जो SI भी कहा जाता है। तो उनको जो पुलिस में कौन, मतलब स्टेशन पे कौन मिले, पुलिस स्टेशन पे उनको मिले SI राव, ठीक है। तो अब जब मिस्टर शिंदे गए तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो FIR दर्ज कर दिया, ठीक है, शांति के अगेंस्ट, ठीक है। अब FIR क्या होता है, तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें होता है क्या है कि जब भी मान लीजिए कोई क्राइम से रिलेटेड कोई चीज़ होता है, क्राइम में जैसे कि मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, मतलब किसी का किडनैपिंग हो गया या फिर चोरी हो गया, तो ये सब जो है किस में आते हैं, क्रिमिनल क्राइम में आते हैं, ठीक है। तो क्राइम में क्या होता है, हम लोग FIR दर्ज कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो FIR से होता क्या है कि जो पुलिस होती है वो फिर जो है इन्वेस्टिगेट करती है कि आखिर जो है हुआ क्या था। तो इसी तरीके से जो है जो SI राव होते हैं, यानी कि जो मिस्टर शिंदे होते हैं, वो जो SI राव के पास जाते हैं पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे जो उनको SI राव मिलते हैं, और वो जो SI राव से जो FIR जो है दर्ज कराते हैं, ठीक है। तो अब जब वो FIR दर्ज कराते हैं, तो अब क्या होता है कि जो SI राव होते हैं वो जो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर अब क्या होता है सबूत में कि जो है जो शांति ने जो है उनकी नेकलेस, मतलब जो गोल्डन चैन है उसको जो चोरी किया है, तो सबूत में वो जो 10,000 रुपीज होता है, ठीक है, जो कि शांति और उसके भाई जो कुछ साल से कर रहे होते हैं इकट्ठा, उसको जो ले लेते हैं सबूत के मतलब जैसे कि सबूत मिल जाए कि अगर कुछ भी होता है। तो उसके बाद फिर जब सबूत मिल जाता है कि हाँ 10,000 रुपीज है, तो हो सकता है कि शांति ने जो उस गोल्ड चैन को जो बेची हो, उसके बाद फिर शांति को क्या करते हैं, तो SI राव होते हैं वो जो शांति को अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ उनके ब्रदर को पता चलता है, ठीक है, अब शुरुआत में जो हमने क्या पढ़ा था कि उनका जो 10,000 रुपीज जो जमा कर रही थी जो शांति थी, तो वो जो अपने ब्रदर के साथ कर रही थी। तो अगले दिन जब शांति के भाई को पता चलता है इस तरीके से कैसे ऐसे हुआ है, तो शांति का भाई का क्या नाम रहता है, सुशील, ठीक है। तो सुशील जाता है पुलिस स्टेशन, ठीक है, और वो बोलता है SI राव से कि उनकी जो बहन है शांति, उनको जो है रिलीज़ कर दो, यानी कि जो है उनको जो क्या करो कि जेल से जो निकाल दो, अरेस्ट किया था तो, ठीक है। तो फिर अब SI राव क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हें शांति को जो है बाहर निकालना है जेल से, इसके लिए जो है तुम्हें बेल ऑर्डर लाना पड़ेगा, ठीक है, कोर्ट से जो है बेल ऑर्डर लाना पड़ेगा, और आखिर बेल ऑर्डर लाना है तो इसके लिए जो है तुम्हें जो है क्या करना पड़ेगा, जो जो लॉयर होते हैं, तो लॉयर को जो है हायर करना पड़ेगा, वकील को, ठीक है। लेकिन सुशील के पास इतना पैसा नहीं था कि वो जो है किसी लॉयर को हायर कर पाए, ठीक है, और भी जैसे डॉक्यूमेंट्स ये सब जो है बनवाने हैं, तो इस पर भी जो है अलग से पैसा लगता, फिर टाइम भी लगता, लेकिन सुशील के पास जो इतने पैसे नहीं थे। और सुशील क्या था, तो सुशील जो है एक फैक्ट्री वर्कर था, ठीक है, फैक्ट्री में जो काम किया करता था वो, ठीक है। तो जब सुशील ने बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जो है बेल ऑर्डर जो है ले सकूं, तो अब SI राव क्या करते हैं, SI राव जो है जो सुशील होते हैं, ठीक है, सुशील होता है उसको जो है जेल में बंद कर देते हैं, और उससे जो क्या करते हैं कि उनको टॉर्चर करते हैं, ठीक है, मारते हैं, पीटते हैं, सख्ती से पेश आते हैं, और ये जो है वो जो है बुलवाने की कोशिश
रियलाइज़ करते हैं सुशील से कि तुम और जो तुम्हारी बहन है वो जो एक गैंग चला रही होती है डोमेस्टिक वर्कर्स का, जो कि लोगों के घर में जाते हैं काम करने के बहाने और जो ज्वेलरी चोरी करके लेके आ जाते हैं। इस तरीके से जो है एस आई राव जो है उससे जो है जो सुशील होता है तो उससे जो ये बुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है और 2 दिन तक जो है उसमें जेल में ही रखते हैं और इसी तरीके से जो है टॉर्चर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इतना जो है करते हैं जो एस आई राव, ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। इस तरीके से जो है उनके पास ये राइट नहीं है कि बिना परमिशन के जो वो किसी को भी उठा ले और फिर जो है मारना पीटना स्टार्ट कर दे, ठीक है, जबकि सुशील की कोई गलती नहीं थी यहाँ पे। तो इस तरीके से हो रहा था, उसके बाद फिर यही सब हो रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो मतलब जो ये जो कहानी हुआ होता है, ठीक है, ये सब चीज़ ये क्या होता है 2006 के ईयर में, और ये जो जुलाई में हुआ होता है कि जुलाई में जो शांति होती है वो तो अरेस्ट हो जाती है, और अभी जो है 23 अगस्त चल रहा होता है, यानी कि एक मंथ जो है बीट किया होता है और शांति जो है अभी भी जेल में रहती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जेल में जो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती, ठीक है, और जैसे कि जो जेल होता है तो जेल में जो एक दिन भी जो है बिताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और यहाँ पे जो है शांति की कोई गलती भी नहीं है, ठीक है, उसने जो गोल्ड चैन चोरी भी नहीं की थी तब भी जो उसे एक महीना जो है जेल में रहना पड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर आखिर शांति को जो जेल से बाहर निकलना था, इसके लिए जो उसको बेल ऑर्डर लाना पड़ता था, और बेल ऑर्डर करवाने के लिए उसको जो है कोई ऐसा आदमी चाहिए होगा जो कि जो है 20,000 रुपीज़ दिए, ठीक है। तो ऐसा आदमी जो है था नहीं शांति की जो है मतलब रिलेशन में, ठीक है, तो इस तरीके से था। उसके बाद जो शांति थी वो जो सदमे में आ गई थी। क्यों सदमे में आई थी? एक तो जो है उसने किसी तरीके की कोई चोरी नहीं की थी, और वो भी जो एक महीने तक जो है उसको क्या किया गया था, जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो उसके 10,000 रुपीज़ थे जो कि जो है सबूत के लिए जो है एस आई राव ने रखा था, अब वो भी जो है उनके हाथ से चला गया था। उसके बाद फिर शांति को ये भी नहीं पता था कि क्या पता मैं अभी कितने दिन तक, अभी जो है कितने महीने तक जो है अभी जेल में और रहूँगी, क्योंकि एक महीना तो हो चुका था, अब क्या पता आगे और भी जो है महीना रहे। तो इसलिए जो शांति थी, ठीक है, ऊपर से फैसिलिटीज़ भी सही नहीं थी जेल में, तो इसलिए जो शांति थी वो जो सदमे में आ गई थी। तो यहाँ तक हमने जान लिया। आप देखिए, क्योंकि जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए ये जो हम लोग का टॉपिक है द स्टेट वर्सेस शांति हेमराम केस स्टडी, जो केस है 2006 का, तो यहाँ पे जो इसे हम लोग ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ से जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि उसके बाद फिर क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो जानने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।